तिरुपति बालाजी का सबसे बड़ा रहस्य, जिससे भारत सरकार और वैज्ञानिक भी हैरान। भारत के सबसे चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिरों में से एक है भगवान तिरुपति बालाजी। भगवान तिरुपति के दरबार में गरीब और अमीर दोनों सच्चे श्रद्धा भाव के साथ अपना सर झुकाते हैं। हर साल लाखों लोग तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। मान्यता है कि भगवान बालाजी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, बालाजी उनकी सभी मुरादें पूरी करते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहां आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से ऐसे रहस्य जुड़े हैं जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े हुए रहस्य। भगवान के इस मंदिर के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जो भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल लगे हुए हैं, वो असली हैं। और सबसे बड़ी खास बात ये कि ये कभी उलझते नहीं और ये बाल हमेशा मुलायम रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान खुद विराजमान है। अगर आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है, परंतु जैसे ही आप गर्भगृह से बाहर आएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा लगता है कि भगवान की मूर्ति दाहिनी तरफ स्थित है। आखिर ये लोगों का भ्रम है या फिर भगवान का कोई चमत्कार है? ये रहस्य आज तक रहस्य बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी में सजाया जाता है। आपको बता दें कि भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा एक विशेष पत्थर से बनी हुई है, मगर ये पूरी तरह से जीवंत लगती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु जो खुद यहाँ आकर विराजमान है। इस मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है, परंतु इसके बावजूद भी बालाजी को गर्मी लगती है। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है और पसीने की बूंदें भी देखी जा सकती हैं। भगवान वेंकटेश्वर के इस मंदिर से 23 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है और यहां बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन करके जीवन यापन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में चढ़ाया जाने वाला पदार्थ जैसे फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गाँव में आता है। भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति नजर आती है। माता की मौजूदगी का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतारकर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब इस लेप को हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी जी की छवि उभर कर आती है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है, और सबसे आश्चर्य कर देने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। ये दिया वर्षों से जल रहा है। आखिर इस दीपक को कब और किसने जलाया था, इसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता। भगवान के इस मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं तरफ एक छड़ी है, और इस छड़ी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि बाल्यावस्था में इसी छड़ी से भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इस वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इसी कारणवश तब से लेकर आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। भगवान के इस मंदिर में जो लोग आते हैं उनका कहना है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। ऐसा बताया जाता है कि मंदिर में मूर्ति हमेशा नम रहती है। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसे किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो वो कुछ समय बाद ही चटक जाता है, परंतु भगवान की प्रतिमा पर इसका कोई असर नहीं होता। धर्म कथाएं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।